दोस्तों यूपीपीसीएस 2021 के लिए पिछले 5 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको उपलब्ध कराया जाएगा बहुत जल्दी। और इसी क्रम में ये पहला पेपर होगा यूपीपीसीएस प्री परीक्षा 2020 का। ये परीक्षा 11 अक्टूबर को हुई थी और ये सीरीज ए के प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को आपकी सुविधा के लिए वन लाइनर में बदल दिया गया है ताकि एग्जाम से पहले आप इसका क्विक रिविजन कर सकें। और आपके लिए ये पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में आपको दी जा रही है और इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तब आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स का जो पहली लाइन होती है कमेंट बॉक्स की वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2019 में। और इसका लक्ष्य वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10 तथा PM2.4 की सांद्रता में 20 से 30% तक की कटौती करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंश। आगे चलकर इक्ष्वाकु के वंश में ही भगवान राम का भी जन्म हुआ था। तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती और आंध्रभृत भी कहा गया है और इस वंश का संस्थापक माना जाता है श्री शांत मूल को। किस समिति ने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है, तो याद रखना कि मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया था अलग समिति द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो याद रखना कि मौर्य काल के जो एग्रोनोमई नामक अधिकारी होते थे वो मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन से संबंधित थे। यहाँ पर जो आंसर की जारी हुई थी उसमें यूपीपीसीएस यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सिर्फ मार्ग निर्माण को ही अपना आंसर माना था, लेकिन यहाँ पर दोनों सही हैं, मार्ग निर्माण और राजस्व प्रबंधन। निम्न सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सामाजिक असमानता को इसमें जो है शामिल HDI की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन होगा कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करिए। अब यहाँ पर महाजनपद है और उसकी राजधानी है, तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए आपको सही आंसर दिया जा रहा है यानी कि सूची को सम्मिलित करके उसका सही आंसर आपको दिया जा रहा है। याद रखना कि मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी इंद्रप्रस्थ, आपको याद आ गया होगा कौरव पांडव, तो कौरवों की राजधानी कहाँ पर थी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा और अस्मक महाजनपद की राजधानी थी पोतन, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्कर लुईस ने। तो इस अवधारणा के अनुसार आर्थिक परिवर्तनों के बावजूद निर्धन लोग अपनी संस्कृति के प्रभाव के कारण ही निर्धन बने रहते हैं, उनकी अपनी संस्कृति उन्हें निर्धनता से ऊपर उठने हेतु प्रोत्साहित नहीं करती है। यानी कि कुछ इस प्रकार के कल्चर लोग अपना लेते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने एक क्लोज्ड जो उनका जो एक बहुत ही बंद तरीके का पर्यावरण होता है उसी में वो रह जाते हैं। तो गरीबी की संस्कृति इसे कहा जाता है और इसको दिया है ऑस्कर लुईस ने, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखो जो प्रश्न आते हैं कथन और कारण से संबंधित प्रश्न अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें एक कथन होता है, एक कारण होता है और आपको बताना होता है। यहाँ पर 4 विकल्प होते हैं ए बी और सी डी करके, कि अगर कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या करता है, तब आप उत्तर ए दीजिए। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है, तब आप ऑप्शन बी को उत्तर करिए। अगर कथन गलत है और कारण सही है तब आप कथन यहाँ पर विकल्प सी को आंसर करिए, और अगर कथन गलत है कथन सही है कारण गलत है तब आप उत्तर डी को दीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है, कारण क्या है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चरण प्रारंभ किया जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे, तो कारण भी सही है कथन भी सही है। तो यहाँ पर आपको जब उत्तर देना होगा तब आप उत्तर ए लिखेंगे। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य, अब इसको देखो ये बात हो रही है यहाँ पर 20वीं सदी हो गई, उसका जो 80 का दशक रहा उसके मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है, तो उनमें से कौन सा एक महत्वपूर्ण नहीं था, तो 4 विकल्प यहाँ पर हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, राजनीति व विकास, जन सामान्य का विस्थापन और पुनर्वास। तो इसमें सही जवाब था ऑप्शन सी, राजनीति और विकास, ठीक है, याद रखना इसको।
आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीम बेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? भीम बेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा पहली बार किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने? तो इसका आंसर हो जाएगा V.S. वाकंकर, और इसकी खोज कब हुई थी? 1957 में। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं, तो कुल 10 शहर ऐसे हैं, ये कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी और आगरा। अब यहाँ पर देखिए, सूची को सुमिलित करना था तो सुमिलित सूची मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, हड़प्पा पूरा स्थल का नाम है और संघ राज क्षेत्र भारत के राज्य कहाँ पर पड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर आपको रैंडम दिया जाता है, इसको आपको सुमिलित करवाना होता है। जैसे कि बालू नामक जो स्थान है ये हरियाणा में पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर में, पाडरी गुजरात में, हुलास उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये है आपकी सुमिलित सूची। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणी विकास, जिसको आप कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर चर्चा आरंभ हुई। यह प्रतिवेदन कौन सा था? अब दोस्तों ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए या न आए, ये प्रश्न आपको रटा हुआ याद होना ही चाहिए। याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये शब्द अक्सर चर्चा में रहता है, तो ये चर्चा में आया कब से? तो 1987 में यूनाइटेड नेशन में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, उसके बाद धारणी विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा शुरू हुई। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर, इसे ब्रट लैंड रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसे जो है WCED यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर कॉमन फ्यूचर यानी कि ब्रटलैंड रिपोर्ट के बाद ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था ये चर्चा में आया था। अगला क्वेश्चन होगा कि कथनों पर विचार करिए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेनसांग, आबूद जईद, अलमसूदी और अलबरूनी ने किया है, और सांबपुर यात्रोत्सव ये सूर्य पूजा से संबंधित था। तो यहाँ पर विकल्प एक और विकल्प दो दोनों सही हैं। अटल नवोन्मेष मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, अटल नवोन्मेष मिशन, इसको अटल इनोवेशन मिशन कहते हैं, AIM, ये किस विभाग की प्रमुख पहल है? इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा गया था? चार विकल्प दिए गए थे जिसमें आंसर था NM जोशी को भेजा गया था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO यह वर्ष 1919 में अस्तित्व में आया था। जी हाँ, यह वही वर्ष है जिस वर्ष आपका जो है 13 अप्रैल 1919 कौन सा कांड हुआ था बताओ, ये बहुत ही चर्चित घटना है, अब इसका नाम आपको बताना है। तो उसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी अस्तित्व में आया था। तो अक्टूबर 1919 में वाशिंगटन में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था NM जोशी को। वहाँ पर उनके सलाहकार कौन थे? BP वाडिया थे। ठीक है, तो ये घटना आपको याद आई कि नहीं आई? ILO 1919 वाली 13 अप्रैल 1919 वाली, बताओ कौन सी घटना थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके बाद अगला आगे चलते हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, देखिए ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा रेचल कारसैन। तो ये किताब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी किताब के बाद विश्व के जो पर्यावरणीय आंदोलन है वो स्टार्ट हुए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कई बार आप देखेंगे, एक्सला सॉपेल 1748 की संधि। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि एक्सला सॉपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो दोनों सही है। यहाँ पर एक्सला सॉपेल की संधि कब हुई थी? 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध खत्म हो गया था, और यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का पहला युद्ध भी समाप्त हो गया था, और मद्रास ये अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इसका हो जाएगा परिवार नियोजन, पूरक पोषण, टीकाकरण,
पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ये तीनों शामिल हैं, परिवार नियोजन इसमें शामिल नहीं है। और अक्टूबर 1975 में लॉन्च समन्वित बाल विकास सेवाएं योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है। तो 6 पैकेज कौन कौन से हैं? पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप, रेफरल सेवाएं। तो ये 6 स्टेप हैं इसके, इसको आपको याद रखना होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न वही है, सूची को सम्मिलित करिए। अक्सर UPSC ऐसे प्रश्नों को पूछ ही लेता है, तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे UPSC UPSSSC में सुमेलित करने वाले। तो सही सुमेल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि भारतीय शस्त्र अधिनियम ये 1878 में पारित हुआ था, साहिबपद अधिनियम 1876 में, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम ये 1869 से संबंधित है। और सूची को सम्मिलित करिए, फिर अगला क्वेश्चन भी सूची पर आधारित है। बताइए कि सिंध घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? यह एक नगरीय सभ्यता थी। उत्तर वैदिक समाज कृषक समाज था। ऋग वैदिक समाज या चारागाहों से, आप जानते हैं कि ऋग वैदिक काल में गौपालन एक मुख्य पेशा हुआ करता था, तो चारागाह, और मध्यकाल में जमींदारी प्रथा प्रचलित थी। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? देखो सिक्किम का भारत में विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? तो कानपुर बना था 1971 में और लखनऊ बना था 1981 वाले में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने 10 लाखीय शहर हैं? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज। निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? MK गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अब यहाँ पर सूची को सुमेलित करना था। जजमानी प्रथा ये प्रचलित है उत्तर भारत में। 12 बलूट ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। मिरासी प्रथा तमिलनाडु में आती है और अडाडे ये संबंधित है कर्नाटक से, ठीक है। अब फिर सूची आ गई आपकी, सुमेलित करना था। जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखी गई लाला लाजपत राय के द्वारा। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, ए नेशन इन मेकिंग, ये किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, सूर्य नारायण बनर्जी की किताब है, वेरी इंपॉर्टेंट में रख लेना इसको। और इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। सर्वप्रथम मॉरिजिनल मैन यानी कि सीमांत व्यक्ति संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट ही है, सीमांत व्यक्ति मॉरिजिनल मैन। तो ये संकल्पना लेकर आए थे, ये हाइपोथेसिस लेकर आए थे रॉबर्ट ई पार्क। तो सीमांत व्यक्ति संकल्पना का प्रतिपादन रॉबर्ट ई पार्क ने अपने एक लेख में किया था। लेख का नाम था मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी। किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार बनाया गया था हैदर अली के द्वारा। कब? 1755 में। कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तिकरण का एक कारण नहीं है? कई सारे कारण दिए गए थे इसमें। जनसंख्या की जो तीव्र वृद्धि होती है ये वन्य प्राणियों के विलुप्तिकरण का कारण नहीं होता है, क्योंकि इसमें उत्तर जीविता के लिए युद्ध भले ही स्टार्ट हो जाए लेकिन यहाँ पर विलुप्त होने का खतरा नहीं होता है। बाकी था वहाँ पर जो विकल्प, उसमें जंगलों का कटना, जंगलों की तीव्र आग, ये सब चीज़ें थी उसमें, ठीक है, और प्राकृतिक आवासों का क्षरण, तो तीनों ही कारण होते हैं। लेकिन जनसंख्या की वृद्धि से कोई भी प्रजाति विलुप्त नहीं होती है। कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया है। कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। कारण बताया गया कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो ये बिल्कुल सही है, कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप उत्तर लिखेंगे। भारत में अगस्त 2020 में कहाँ पर रेल संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसका उत्तर था हुबली में। और ग्रंथों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना था, जैसे कि किताबुल हिंद किसने लिखा है? अलबरूनी ने। पृथ्वीराज रासो संदरबरदाई ने लिखा है। तबकाते नासरी रचना है मिनहाज उज सिराज की। फतवा ए जहांदारी किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो यही इसका सही क्रम है, सबसे पहले लिखी गई थी किताबुल हिंद, फिर आई पृथ्वीराज रासो, फिर तबकाते नासरी और फिर फतवाए
जहांदारी। जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, यूएई है इसका आंसर, और संयुक्त अरब अमीरात। 20 जुलाई 2020 को जापान के तानेगासिमा अंतरिक्ष केंद्र से यूएई के पहले मंगल मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, और इस मिशन का नाम क्या था? होप मिशन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया था, तो गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह। क्या नाम था? अबुल हसन कुतुब शाह। भारत के किस पड़ोसी देश ने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो ये बांग्लादेश। और कौन सा कथन सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। ये कथन सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी। ये भी सही है। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में अब यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। इंडिया आइडिया समिट 2020, इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था। इसकी थीम बताई जा रही है भारत का सशक्तिकरण। तो पहला तो सही है, क्योंकि अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा इसे 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था वर्चुअली, लेकिन इसकी जो थीम थी वो भारत का सशक्तिकरण नहीं थी, बल्कि इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम लगाई गई थी एक बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करिए। ऐसे प्रश्न आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, तो सम्मिलित इसमें क्या था? अब यहाँ पर पहला जो कालम है अधिकारी से संबंधित है, दूसरा कालम विहित कर्तव्य से संबंधित है। दीवाने तन का काम होता था जागीर और वेतन को देखना। अब मुस्तारफी क्या करता था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, मतलब अकाउंटेंट टाइप काम था इनका। मुशरिफ क्या करता था? कार्यालय को संभालने के लिए, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट समझ लीजिए अब इनको। और वाक्यानिवीश, ये प्रेस रिपोर्टर यानी कि प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि मुस्तारफी क्या हो गया, ये अकाउंटेंट हो गए, मुशरिफ क्या हो गए, ये ऑफिस सुपरवाइजर कर सकते हैं आप, और वाक्यानिवीश ये रिपोर्टर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया गया था प्रयागराज में, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो यहाँ पर डी जो है ये गलत है, तो इसी को आप अपना आंसर मान लेंगे, सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, इन्हें महबूबे इलाही भी कहा जाता है। जन्म इनका कहाँ पर हुआ था? बदायूं में। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये सूफी काल का एक पवित्र दरगाह मानी जाती है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई को घोषणा किया है कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कहाँ पर होगा? हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। अब ये फरवरी 2022 में होने वाले हैं गेम, ये तो आपको पता ही होगा, कोविड की वजह से ये गेम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं। और अगर प्रश्न आएगा कि यूनिवर्सिटी जो गेम्स होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स का जो दूसरा संस्करण होगा ये कर्नाटक में आयोजित होगा, तो ये भी आपको याद रखना है। किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रज बवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? इसका आंसर हो जाएगा शहाब नगर। कौन सा नगर? शहाब नगर। और कौन सा फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैसडेक के बिले बोर्ड्स पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बन गया है? ये फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। तो प्रश्न को दोबारा से देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैसडेक के बिले बोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बनाया है? तो ये मोहन बागान है, याद रखना इसको। अच्छा, ये बताओ कि किताबें नौरस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये किताब लिखी गई थी इब्राहिम आदिल शाह दूती के द्वारा, किताबें नौरस। और इब्राहिम आदिल शाह दूती ये बीजापुर की सल्तनत के शासक थे। और किताबें नौरस किस भाषा में लिखी गई थी? दक्कनी भाषा में लिखी गई किताब है किताबें नौरस। भारत की पहली किसान रेल
किस दो स्टेशन के बीच 8 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी? तो जो पहली रेल थी ये देवलाली महाराष्ट्र से स्टार्ट हुई थी, कहाँ पर गई थी? दानापुर बिहार। और उसके बाद 13 अगस्त 2020 को भारतीय रेलवे की दूसरी किसान विशेष रेलगाड़ी का परिचालन बरौनी बिहार से किया गया, कहाँ पर? टाटानगर के बीच में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है? ये जिला है मिर्जापुर। इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। यह परियोजना फ्रांसीसी कंपनी एनजी के मदद से स्थापित की गई है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ईस्ट एशिया का सम्मेलन 2020 सिंगापुर में हुआ था क्या? नहीं हुआ था, ये गलत हो जाएगा। तो यही जो है सही सुमेलित नहीं है। जबकि G20 सम्मेलन 2019 हुआ था ओसाका में, G7 सम्मेलन 2019 हुआ बियारिज में, इसको बियारिज भी कहते हैं। ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 हुआ था बैंकॉक में। तो यहाँ पर ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन 2020 ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, और इसमें जो होस्ट कंट्री थी वो वियतनाम। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर साइट्स में शामिल किया गया? तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में तो 6 साइट को, लेकिन ऑल ओवर 10 नए वेटलैंड्स को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स में शामिल किया गया था जनवरी 2020 में। और इसमें उत्तर प्रदेश के 6 स्थल हैं, ये कौन कौन से हैं? नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, समान पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य और सरसई नवर झील। तो उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हो गए हैं? 7 हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि भारत में कुल कितने रामसर साइट हो गए हैं, तो इनकी संख्या बढ़कर अब 46 हो गई है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें COVID-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत जो थी शुरू हुई थी? तो ये छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुई थी। याद रखना कि COVID-19 अवधि में पहली बार जो ई अदालत थी वो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी कौन सी जनजाति नहीं है? हालचू, रेंगमा, ओंजे, सोमपेन। तो हालचू, ओंजे और सोमपेन ये अंडमान निकोबार से संबंधित हैं। रेंगमा जो है ये असम और नागालैंड की जनजाति है, तो ये याद रखना आप। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्न कथन या कथनों में कौन सा सही है? तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, और भारत के लगभग 30% बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। ठीक है, तो भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% तो अकेले भारत में ही है, जबकि उसमें 30% भाग जो हैं वो बाघ अभयारण्य के बाहर रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है? तो ये कौन सी नदी है? याद रखना दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज नदी एक ट्रांस हिमालय नदी है। सतलज नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल, इसको राक्षस ताल भी कहते हैं, वहाँ से होती है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गार्ज का निर्माण करती है, तो ये भी याद रखना। सतलज नदी जो है वो एक ट्रांस हिमालय नदी है। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की 4 जून 2020 की मेजबानी की थी? तो यूनाइटेड किंगडम ने। तो ये प्रश्न तो बस यूं ही है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो अंगामी जो है ये संबंधित है कहाँ से? नागालैंड से। बिरहोर जो है झारखंड, जबकि खस जो दिया गया था अरुणाचल प्रदेश, जो कि गलत है। खस जनजाति की अस्थित जो है वो भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद देखा था टोडा जो कि तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी सही था। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्थक के बारे में तो अभी हाल ही पूछा गया था जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी, तो ये आप जानते ही हैं इसका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन सी होगा, अपतटीय गश्ती जहाज है सार्थक। और अब यहाँ पर सूची वाला प्रश्न आ गया था, सुमेलित करना था आपको। तो साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में है, बड़खड़ झील ये कहाँ पर है? फरीदाबाद हरियाणा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, कालीवेली झील विलुपुरम एक जिला है, कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया था वर्ष 2020 में? हरियाणा ने किया था पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना।
और अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। बताओ ये सही है गलत है? ये गलत है। अब अहमदाबाद तो नहीं है, अहमदाबाद का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर आता है मुंबई। मुंबई भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं। ये सही है, यानी कि क्या हुआ, कारण जो सही दिया गया है, कथन को गलत कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपको लिखना होगा एग्जाम में। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोविड 19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो ये एक कोलकाता में था, दूसरा नोएडा में, तीसरा था मुंबई में। भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री श्रेणी, ये सबसे नई मानी जाती है, अरावली सबसे पुरानी मानी जाती है, तो याद रखना इसको। ठीक है, तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री श्रेणी। और उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? उत्तर जाएगा इसका कुशीनगर हवाई अड्डा, और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन भी किया गया है। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। और सुमेलित के लिए, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सुमेलित करना था, उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है। कलेसर कहाँ पर है? हरियाणा में है। और बस ये 3 पॉइंट यहाँ पर दिए गए थे। निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? तो इसका उत्तर, जब ये प्रश्न आ रहा होगा तो आपके दिमाग में भारत बार बार फ्लैश हो रहा होगा, लेकिन उत्तर आप में, मतलब यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ना है कि नहीं चुना गया है, तो यहाँ पर कनाडा को नहीं चुना गया है। भारत के साथ कौन कौन से देश चुने गए थे अस्थायी सदस्य के रूप में? आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। कनाडा इसमें शामिल नहीं था। तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे को वर्ष 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत को अब तक कुल 8 बार सुरक्षा परिषद में जगह मिल चुकी है, ये भी याद रखना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबा चित्रदुर्ग, लौह अयस्क बेल्लारी, मैग्नीज भिलवाड़ा, बॉक्साइट कटनी। यहाँ पर पहला और तीसरा ये जो है सही सुमेलित नहीं है। तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है? चित्रदुर्ग की। तो चित्रदुर्ग में लौह अयस्क और मैग्नीज का उत्खनन किया जाता है, तांबे का नहीं। और भीलवाड़ा राजस्थान में तांबा का उत्खनन होता है, तो मैग्नीज का नहीं होता है। तो 1 और 3 यहाँ पर आपके जो है ये गलत है, सुमेलित नहीं है। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा इसे तैयार किया गया, सही है। और यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो पहली शिक्षा नीति लागू हुई थी वो 1968 में हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 1986 में, 68-86 यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्थानों को बदल दिया गया है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रख पाएंगे, सही से आपको याद रहेगा। 68 को उल्टा कर दिया 86, और उसके बाद फिर लागू हुआ कब? 2020 में लागू हुआ तीसरी बार। तो अगर आप 2020 में से 1986 को घटाएंगे तो 34 साल आता है, 38 साल नहीं आता है। तो ये गलत हो गया, केवल 1 यहाँ पर आपका सही है। और अगर प्रश्न आया कि कश्मीर घाटी कहाँ पर अवस्थित है, तो याद रखना कि ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। किस राज्य द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? तो 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल के बारे में बात हो रही है। और ये योजना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में, आपको याद होगा इसके बारे में। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार करिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। पश्चिम से पूर्व की ओर, तो केन, बेतवा, सिंध और चंबल। तो क्रम से क्या होगा? पहले स्थान पर चंबल, फिर आएगा सिंध, फिर आएगा बेतवा, फिर आएगा केन। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्रमबद्ध याद रखना है। किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 का पुरस्कार प्राप्त किया है? फूड विजन 2050 पुरस्कार मिला है नंदी फाउंडेशन को, याद रखना। और कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला जो नाम है वो एक देश का नाम होगा, अगला होगा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र से संबंधित, कजाकिस्तान में कारागांडा, ये सही है। कारागांडा जो है ये कजाकिस्तान का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन का लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है क्रिवोई राग, जबकि नॉर्मंडी कहाँ पर है? नॉर्मंडी जर्मनी में नहीं है दोस्तों, ये फ्रांस में है, ठीक है।
और पायरेनीज भी कहाँ पर है, फ्रांस में है। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर जाएगा वो सी हो जाएगा, सी सुमेलित नहीं था, यहाँ पर जर्मनी जगह फ्रांस होना चाहिए था। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया, चट्टोग्राम बंदरगाह से, जो कि चिटगांग भी इसे कहते हैं आप। तो विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, तो ये माना जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश, इसको जो है उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहते हैं। तो याद रखना कि जो खट्टे रसीले फल हैं वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर अशोक साहनी। ठीक है, सूची एक को सूची दूसरे सुमेलित करना था, तो सूची जो सुमेलित सूची है वो आपके सामने है। पहला नाम होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, दूसरा नाम होगा संबंधित देश का। तो वैगुओ कहाँ पर आता है, वैगुओ आता है फिलीपींस में, हरिकेन का संबंध है अमेरिका से, टाइफून आता है चीन में, विली विली जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर तो डेफिनेटली आपको ये सब याद रहे होंगे, वैगुओ थोड़ा सा आपको नया लग रहा होगा, वैगुओ आता है फिलीपींस में, हालांकि ये भी आपको याद ही रहना चाहिए। सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो दोनों ही सही हैं। और होता क्या है, एक मान लेते हैं कोई एक इकोसिस्टम है वाटर से संबंधित, उसमें जब बहुत सारा सुपोषण मतलब कि जो पौष्टिक तत्व में पहुँचने लगते हैं तो वहाँ पर घास वगैरह बहुत ज़्यादा उगने लगती है, शैवाल एलगी वगैरह, और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो जीव जंतु होते हैं वो मरने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं सुपोषण की प्रक्रिया, जो कि जीवों के लिए घातक होती है, पेड़ पौधों के को तो ये खूब बढ़ाती है। तो यहाँ पर विकल्प सी आपका आंसर है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, डार्लिंग सीरीज ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर, और यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। और निम्नलिखित घटनाओं को उनके आरंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट टाइगर, फिर आता है प्रोजेक्ट हाथी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम। तो क्रम में क्या आएगा, सबसे पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ये पहला क्रम हो जाएगा। ये हुआ था कब, 1972 में, 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, ये दूसरे स्थान पर आ जाएगा। फिर आता है प्रोजेक्ट हाथी 1992 में, तो ये तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और जैव विविधता अधिनियम आएगा चौथे स्थान पर, ये कब पारित हुआ था, 2002 में पारित हुआ था। और निम्नलिखित में कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, फ्लोरिडा, कनारी, अगुलहास और क्यूराइल। तो यहाँ पर जो फ्लोरिडा धारा है और कनारी धारा है, फ्लोरिडा और कनारी दोनों अटलांटिक सागर से, अटलांटिक महासागर से संबंधित हैं। अगुलहास धारा ये हिंद महासागर से संबंधित है, यही हमारा उत्तर जाएगा। और क्यूराइल धारा से संबंधित है प्रशांत महासागर से। यहाँ पर एक बात याद रखना कि अगुलहास और फ्लोरिडा धारा ये गर्म धाराएं मानी जाती हैं, कनारी और क्यूराइल ये ठंडी धारा मानी जाती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। और ये है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, सूची ए को सूची बी से सम्मिलित करना था, तो यहाँ पर मैं आपको सही सुमिलित सूची दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जो यहूदी समूह है, नृजाति समूह है, ये संबंधित है इसराइल से, टेडा नृजाति समूह ये लीबिया से संबंधित है, बेजा नृजाति समूह मिस्र से, और लूर नामक जो नृजाति समूह है ये ईरान से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे आज के 80 प्रश्न, बाकी के जो 70 प्रश्न हैं उसके लिए आप वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल और कमेंट बॉक्स का जो पहली लाइन है वहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर आप चेक कर लेना। शेष प्रश्न हम करेंगे डिस्कस अगले वीडियो में, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका रिवीजन आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं पिछली कई सारी परीक्षाओं से। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।